सरकार के अजब गजब निर्णय के खिलाफ व्यापारी संगठन की लगभग 3 घंटे तक बैठक चली। त्रस्त व्यापारियों ने लंबी बैठक के बाद तय किया है कि वे अपनी आवाज कोर्ट के समक्ष उठाएंगे, वहीं से व्यापारियों को न्याय मिल सकता है। बैठक में विरोध करने के तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया, लेकिन अंत में कोर्ट जाने के निर्णय पर एकमत से सहमति जताई गई है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जो 72 घंटे के अंदर कोर्ट में PIL दाखिल करेगा। सरकार जगाओ वाणिज्य बचाओ संघर्ष समिति की बैठक में 20 से ज्यादा व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इनका कहना था कि नेताओं के पास जाने से न्याय मिलना मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने केवल टाइम पास करने का काम किया है, इसलिए अब अदालत का दरवाजा ही खटखटाना बेहतर विकल्प है। इसके साथ ही जब भी पालक मंत्री शहर में आएंगे, उनका घेराव किया जाएगा और उन्हें भावनाओं से अवगत कराया जाएगा कि जारी आदेश से व्यापारी संतुष्ट नहीं है। सरकार जगाओ वाणिज्य बचाओ संघर्ष समिति के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की आज मीटिंग हुई। कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बातें सुनने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि संघर्ष समिति हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। गार्डियन मिनिस्टर नागपुर के जो है आदरणीय डॉक्टर नितिन राउत जी, उनका घेराव किया जाएगा पूरे स्टेक होल्डर्स के साथ और उनके परिवार के साथ। आज नागपुर में लगभग 0 केसेज है, तो उसके बाद भी बावजूद भी लेवल 1 लागू नहीं किया जा रहा है जो गवर्नमेंट ने फॉर्मूला अडॉप्ट किया था। आज जो मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर्स है उनकी रोजी रोटी का क्या और ये लोग आगे कैसे सर्वाइव करेंगे? मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर्स है उनके लिए या तो रिलैक्सेशन टाइमिंग में छूट और नहीं तो रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट वो करें। हम लोग व्यापार करते हैं, कोई डकैत और वो तो है नहीं, हम व्यापार कर रहे हैं और वी आर डिमांडिंग आवर राइट दैट वी हैव द राइट टू डू बिजनेस। तो समय भले दिया गया हो और शाम से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है और 4 बजे के बाद आप लोगों को खुलने की परमिशन तब भी नहीं थी, अब भी नहीं। ये मेरे ग्रैंडसन जो 4 साल का है उसको भी मालूम है कि शाम को ही होटल चलता है। वो बोलते पापा आपका शाम को जब होटल चलता है आप घर आ जाते हैं। अब वो 4 साल के बच्चे को भी मालूम है, तो सरकार को भी मालूम होना चाहिए और हर जनता को मालूम है। अब ये कोई नवी चीज़ तो है नहीं कि शाम के समय में रेस्टोरेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब वो 4 बजे का लॉजिक तो कोई समझ में नहीं आता कि 4 बजे के बाद आप नहीं जा सकते या रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते। दूसरा मेरा कहना ऐसा है, जहाँ सब SOP के तहत हम लोग चलाते हैं, सब SOP मेंटेन करते हैं, हाइजीनिक करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, सब कुछ ध्यान रखते हैं, उसमें ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों? और जो अनहाइजीनिक अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं जो पूरे रास्ते भर में चालू हैं, चाट काउंटर्स चालू हैं और स्ट्रीट में चालू है, ढाबे चालू है, जहाँ कोई SOP फॉलो नहीं होता है, वो पूरा बिजनेस रात के 12 बजे तक चल रहा है। जो टैक्स भर रहा है, जो GST भर रहा है, जो प्रॉपर्टी टैक्स भर रहा है, जो इनकम टैक्स भर रहा है, जो एक्साइज फीस लिया है, उसी को रिस्ट्रिक्शन है। जो नहीं कर रहा है, जो इल्लीगल काम कर रहा है, वो पूरा खुलेआम चालू है। तो ये नीति हमको समझ तो बाहर